इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह पहुंचे महू हादसे में घायल लोगों से मिलने। चैत्राम हॉस्पिटल मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि हादसे की जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। हमारी प्राथमिकता है कि पहले घायलों को उचित इलाज मुहैया कराया जाए, उसके बाद जाँच और अन्य कार्य किए जाएं। हादसे में घायल लोगों के नाम इस प्रकार है: नाम रोहित पिता परमानंद, अर्जुन पिता नाथू राठौर, साक्षी गोकुल पिता गोपी चंद, उमेश पिता मानिक चौहान। देखिए, महू में आंबा चंदन के पास में एक पटाखा फैक्ट्री थी जिसमें हादसा हुआ है और उस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। तत्काल 3 लोगों को चौथराम अस्पताल लेके आया गया है जहां हम लोग खड़े हैं अभी, और वहां पर 3ों घायलों का उपचार जो है वो प्रारंभ हो गया है। वर्तमान में हमारा फोकस इस बात पर है कि जो 3ों घायल हैं उनको समुचित उपचार मिल जाए, इस हेतु लगातार हम लोग अस्पताल प्रबंधन के साथ में बातचीत कर रहे हैं और उनके द्वारा समुचित उपचार किया भी जा रहा है। जहां तक बात है, एक शाकिर शेख करके व्यक्ति है जिनके नाम पर ये लाइसेंस है। हालांकि अगर विधिक रूप से देखा जाए तो जो पहले की रिपोर्ट्स हैं उनमें भी इनके द्वारा, चूँकि जहाँ पर घटना हुई है बिल्कुल जंगल में, रहवासी क्षेत्रों से बहुत दूर है, और इसके साथ साथ जो वहाँ पर स्ट्रक्चर्स भी बने हुए हैं वो बहुत दूर दूर काफ़ी दूरी पर बने हुए हैं, मौके पर फायर एक्सटिंग्विशर और दूसरी चीज़ें भी जो हैं वो भी दिखाई पड़ रही हैं जो पहले की रिपोर्ट्स में भी आई हैं। लेकिन इसके क्या कारण रहे और किस वजह से हादसा हुआ, ये एक जाँच का विषय है। अभी हम लोग फिलहाल घायलों के उपचार पर फोकस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों की रिपोर्ट बाद में प्राप्त करी जाएगी। देखिए, गोडाउन नहीं, जहाँ तक प्राथमिक जानकारी मिली है कि बनाने का लाइसेंस है और पूर्व में जांच भी हुई है जिसमें जो सुरक्षा के जो दूरियां होती हैं रहवासी क्षेत्रों से दूरी और आपस में स्ट्रक्चर से दूरी वो पर्याप्त पाई गई थी, और मौके पे जो पानी रेत और एक्सटिंग्विशर वाली चीज़ें होती हैं वो भी पाई गई थी। लेकिन क्या कारण थे दुर्घटना के और अभी की क्या स्थिति थी, चूँकि जो जाँच है वो 2-3 महीने पुरानी है, वर्तमान में क्या स्थिति थी वो जब जांच रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। देखिए, वो डॉक्टर लगातार इलाज कर रहे हैं और जब बर्न के केसेस होते हैं तो शुरुआत में ही सबसे पहले आइसोलेशन किया जाता है और वहाँ पर किसी की एंट्री अलाउड नहीं होती है, तो जिस समय भर्ती हो रहे थे उस समय मेरे द्वारा जरूर उनको देखा गया था। अभी डॉक्टर से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करी जाएगी, इलाज सभी का पूरी तरीके से चालू होगा।